दोस्तों, शाहरुख खान अनुपम खेर के शो में गए थे और वहां उनसे ये सवाल पूछा गया था कि एक दिन आपकी जो शोहरत है, आपका जो स्टार्डम है, वो किसी और के नाम हो जाएगा, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो यहाँ जो शाहरुख खान का जवाब था ना, वो सच में हिला देने वाला था। वैसे उन्होंने क्या कहा वो मैं नहीं कहूंगा, आप उनके लफ्जों में खुद ही सुन लीजिए। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी? ऐसा बोल दूं? बोलो ना, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो दोस्तों, सुना आपने शाहरुख खान ने क्या कहा? और यार, मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं सही कहा था। वैसे ये जब शो आया था उस टाइम पे, उस टाइम पे उनके इस बात पे काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। कई लोग ये कह रहे थे कि ये शाहरुख खान का घमंड है, और कई लोग ये कह रहे थे कि शाहरुख खान सही कह रहे हैं। और यार, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं उसकी बात सही है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख लो कि उनकी फिल्म जवान के लिए कितने बड़े लेवल का क्रेज ऑडियंस के बीच में देखने को मिल रहा है। और यार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म के लिए इतने बड़े लेवल का क्रेज मैंने देखा है। वो लास्ट स्टार है, उनके बाद नहीं आएगा कोई भी स्टार उनके स्टारडम के लेवल को छूने वाला। और आपकी इसके बारे में क्या राय है? कि आपको लगता है कि हाँ, शाहरुख खान के बाद भी कोई उनकी जगह ले सकता है? उनका जो स्टार्डम है, उनकी जिस लेवल की फैन फॉलोइंग दुनिया में देखी जाती है, तो क्या उनकी जगह कोई और सुपरस्टार ले सकता है, या फिर वो दुनिया के आखिरी सितारे हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस एक बात हमेशा याद रखना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,